आज हम डिस्कस करेंगे कि लंबर माइक्रोडिस्केक्टमी के मरीज किस तरह की रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऑपरेशन पूरा बेहोश करके किया जाता है और बेहोशी का असर जाने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। 4 से 6 घंटे के बाद हमारे फिजियोथेरेपिस्ट मरीज को चलवाते हैं और आमतौर पर मोस्टली मरीजों में जो सियाटिका का दर्द जिसके लिए ऑपरेशन किया गया था वो दर्द चला जाता है और वो बड़े कंफर्टेबली वॉक कर लेते हैं। उनको कूल्हे की और घुटने की कसरत शुरू की जाती है। ये मरीज ऑपरेशन वाले दिन ही शाम को अपने घर जा सकते हैं और एट द मैक्सिमम अगले दिन सुबह घर चले जाते हैं। अगर ये मरीज घर से ही काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, तो ये अपना वर्क फ्रॉम होम ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन उनको ये सावधानी रखनी होती है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक ना बैठें। हर आधे घंटे बाद उठ के वो एक चक्कर मारें और हर 1 से 1.5 घंटे बाद बिस्तर पे आराम करें। ऐसे मरीजों को इस तरह के काम जिनमें आगे झुकना पड़ता है, जब कोई वजन उठाना पड़ता है, जब अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना पड़ता है, ऐसे काम लगभग 6 हफ्ते के लिए मना किए जाते हैं। लेकिन रूटीन काम जैसे गाड़ी ड्राइविंग करना या कुकिंग करना, ये 2 हफ्ते में मरीज शुरू कर सकता है और 2 से 3 हफ्ते में अपने ऑफिस में भी जाना शुरू कर सकता है। 6 हफ्ते में ये मरीज काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और अपनी मोस्टली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो शुरू कर लेते हैं। 6 हफ्ते पे हम ऐसे मरीजों को आमतौर पे एक गुड फिजिकल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, मतलब कमर की कसरत शुरू करते हैं ताकि उनके जो कमर की मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाएं तो आगे चल के मरीज को कमर का दर्द ना रहे और ना ही ये डिस्क की प्रॉब्लम दोबारा हो। ये कमर की कसरत शुरू करना बहुत ही ज़रूरी है। 3 महीने होने पे मरीज़ जिनका जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हैं या ऐसे काम जिसमें भारी वजन उठाने पड़ते हैं, 3 महीने पे ये सब एक्टिविटीज़ भी मरीज शुरू कर सकता है, प्रोवाइडर उसने 6 हफ्ते से 3 महीने में अपने जो कमर की मांसपेशियों को अच्छे से मजबूत कर लिया है।